हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूपर्स चॉइस। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है बाहर। सुबह में बारिश भी आई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मतलब मेरी सब्जियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं और क्या क्या हो गया है। इस पे आई हुई है भिंडी, मतलब भिंडियाँ मेरी इस तरह से काफ़ी बड़ी बड़ी आने लगी हैं बहुत सारी। इस पे भी इस तरफ आई हुई है बहुत सारी भिंडियाँ, और ये मेरी कचरियाँ भी मोटी हो गई हैं, मतलब ये भी अब सब्जी बनने लायक हो गई हैं। तो मैं इन्हें आज मतलब तोड़ लूँगी और इनकी बनाऊँगी फिर सब्जी। और इस तरह की बहुत सारी और भी आई हुई हैं, और भिंडियाँ भी छोटी हैं, अभी नहीं तोड़ूंगी उन्हें। फ्रेंड्स, एक और मेरा जो सनफ्लावर का फूल है वो भी खिलने वाला है, आधा ये खिल चुका है। और ये बड़ा वाला जो सनफ्लावर है ये बहुत भारी हो गया था और ये नीचे की तरफ लटक गया था, झुक गया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब 1 किलो के करीब वजन हो गया है। तो फिर ये मैंने पीछे को इस रस्सी से बांधा है, इसमें बहुत ज़्यादा वजन हो गया है। तो अब हम चलते हैं, बनाते हैं खाना। और आज मैंने खाने में जो सब्जी बनाई है वो बनाई है मैंने करेले। मैं काट के बनाने वाली हूँ अपने जो करेले हैं, करेले और प्याज। तो फ्रेंड्स, मेरे करेले कट गए हैं, प्याज भी कट गई है। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मैं आज दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ और खाने में बना रही हूँ करेले की सब्जी। तो सबसे पहले मैं अपना मतलब तेल गरम करती हूँ, और गरम तेल में अपने जो भी करेले होते हैं और करेले और प्याज दोनों को फ्राई करती हूँ, और उसके बाद ही उन्हें बाद में मसाले में छोक देती हूँ। तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ ज़्यादातर करेले। और मैंने अपनी सब्जी मतलब छोक ली है और ये ढक दिया है। सब्जी मैंने बनने अपनी रख दी है, और मेरी बेटी भी आ गई है स्कूल से, और अब मैं उसे देखती हूँ। मैं इसकी ड्रेस चेंज करती हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो अब मेरे करेले बनके रेडी हैं, और लास्ट में गैस मतलब ऑफ करने के बाद ही मैं अपनी प्याज वगैरह इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि ये पहले से फ्राई कर ली थी मैंने। तो अब मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, खाना मेरा जो है बन चुका है, और अब मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई है और उसको भी मुझे खाना वगैरह खिलाना है और उसको पढ़ाना भी है। अब हम आ गए हैं अपने रूम में और अब इसे पढ़ना है। तो मैं मुझे इसे होमवर्क कराना है और अपना भी काम करना है। तो अब हम करते हैं अपना काम, और काम करते हुए ही मतलब मेरी बेटी ने लाइट ऑफ कर दी, और ये बहुत शैतानी करते हैं, मुझे भी कुछ करने नहीं देते हैं, मेरा काम भी। तो अब इन दोनों की अपनी मस्ती चल रही है, एक टीवी देख रहा है, एक खेल रहा है। मेरा भी काम हो गया है, अब मैं करती हूँ अपना कुछ और काम। आज मुझे करनी है अपनी सिलाई, मतलब कि कुछ ऑल्ट्रेशन मुझे करनी है कपड़ों की, कुछ मेरे कपड़े ठीक करने हैं। तो पहले मुझे मशीन को देखना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मशीन वगैरह चलाई नहीं है अपनी।
तो काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही रखी हुई है, तो आज मुझे इसकी सफाई भी करनी है और कपड़े भी ठीक करने हैं। ये इसी तरह से मेरे पीछे पीछे लगी रहती है पूरा दिन, सारे काम मतलब देखती रहती है क्या क्या हो रहा है, हर चीज़ छेड़ती है, इसकी आदत है। तो अब मुझे अपनी मशीन करनी है थोड़ी ठीक। अब मुझे पहले इसे खिलाना पड़ेगा और इसके साथ थोड़ी देर खेलना है, और उसके बाद ही ये मेरे पास से जाएगी इधर उधर, तभी मुझे ये काम करने देगी। अब मैं कर लेती हूँ अपनी सिलाई का काम। आज मैंने बहुत दिनों बाद मतलब मशीन अपनी चलाई है, तो देखो ये कैसी चलती है। सिलाई ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है मेरी मशीन की, तो इसलिए आज मुझे इसे ठीक भी करना है। क्योंकि मैं इसे काफ़ी दिनों बाद यूज़ कर रही हूँ, और क्योंकि बच्चों की वजह से मैंने ज़्यादा काफ़ी टाइम से इसे चलाया नहीं था, तो आज बहुत दिनों बाद मैंने इसे निकाला है। ये अच्छी सिलाई नहीं दे रही है आज, तो देखती हूँ मैं इसे ठीक करती हूँ। पहले यूपी का गई थी पनीर लेने, और ये लेके आ गई है पनीर, और उसके पापा उसे डांट रहे हैं क्योंकि वो जितने पैसे उसे दिए थे, जितने भी रुपए दिए थे, वो सारे का ही पनीर लेके आ गई है। आज मेरी मशीन ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए मैं उसे अब ठीक करने वाली हूँ खोल खाल के, और इसकी सफाई भी करनी है पहले, और इसके अंदर ऑयल भी डालना है क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद थी, तो आज इसे मुझे पूरी तरह से रिपेयर करना है अच्छे से, उसके बाद ही ये अच्छे से सिलाई देगी, क्योंकि अच्छे से ये चल नहीं रही है। तो अब मैं इसकी करती हूँ जल्दी से साफ़ सफाई। अब ये खुल गई है, और ये कुछ इस तरह से, इसमें काफ़ी सारी धूल वगैरह जमा है पहले से ही, तो पहले मैं इसकी अच्छे से सफाई कर लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल वगैरह जमी हुई है अंदर, और इसमें ऑयल भी मुझे डालना है क्योंकि इसमें ऑयल भी काफ़ी टाइम से नहीं डला था, तो आज मैंने इसमें ऑयल भी डाला है और इसकी सफाई भी हो गई है। तो आज इसकी जो सिलाई है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, लेकिन कल से ये अच्छी चल जाएगी, तो आज मेरा सारा टाइम इसे ठीक करने में ही निकल गया। आज मैं कुछ भी ज़्यादा ऑल्ट्रेशन नहीं कर पाई, अपने कपड़े वगैरह ठीक नहीं कर पाई हूँ, बट मशीन मेरी ठीक हो गई है। तो मैं अब कल अपने कपड़े वगैरह ठीक करूँगी, क्योंकि आज मैंने इसमें अच्छे से ऑयल डाल दिया है और इसकी सफाई भी अच्छे से कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे कुछ कपड़े ठीक करने थे अपने बच्चों के, सिलाई वगैरह करनी थी थोड़ी, लेकिन वो हो नहीं पाई है आज मेरी सभी कपड़ों पे, क्योंकि ये थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, और आज मैंने इसकी अच्छे से सफाई भी की है और इसमें ऑयल वगैरह भी डाल दिया है, तो अब मैं बाकी का इसमें कल ही कर पाऊँगी। आज सारा टाइम इसे ठीक करने में ही मेरा निकल गया, तो अब मैं कल ही अपनी करती हूँ सिलाई इस पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।